बिहार में INDIE अलायंस के नेता सड़क पर उतरे। मुद्दा था अपराध और भ्रष्टाचार, निशाने पर थी बिहार सरकार। हालांकि इस प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को छोड़ दें तो कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं दिखा। कार्यकर्ता जरूर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करते नजर आए। देखिए क्या स्थिति रही। बिहार में बढ़ते अपराध और लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ INDIE अलायंस के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पटना में इनकम टैक्स चौराहे से ये मार्च शुरू हुआ। RJD, कांग्रेस, माले और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इनकम टैक्स गोलंबर पर बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए और डाक बंगला पहुंच गए। बिहार में गिरती हुई लॉ एंड ऑर्डर से सब लोग चिंतित हैं, और बाढ़ की चिंता नहीं है मुख्यमंत्री को, लॉ एंड ऑर्डर की चिंता नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि जनता के सामने सब कुछ है, ये सरकार कॉम्प्रोमाइज सरकार है, जनता का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है। मुद्दे तो सब जनता के सामने हैं और जनता की तकलीफों को प्रतिलक्षित करने का काम, उसको आगे बढ़ करके बैरी सरकार के कान में डालने का काम विपक्ष का है। विपक्ष अपना रोल निभा रही है। पूरे बिहार में, अब पूरे देश में सरकार का इकबाल खत्म है। हाल के दिनों में कई घटनाओं ने बिहार को सुर्खियों में ला दिया। हालिया घटना विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा में बिरौल के सुपौल गांव में उनके ही घर में निर्मम हत्या की थी। इस घटना ने राजनीति सुलगा दिया। पटना से लेकर बिहार के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को घेरने की कोशिश की, सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। अभी 19 जुलाई को ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से रिपोर्ट ली और कड़े निर्देश दिए। CM ने साफ कहा कि अपराध नियंत्रण में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CM ने साफ लफ्जों में कह दिया कि लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक से विपक्ष संतुष्ट नहीं। शकील अहमद खान ने कहा कि बिना पैसा दिए FIR नहीं होती, सरकारी काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं। सवाल ये है कि क्या थाने में FIR, क्या थाने के द्वारा अनुसंधान बिना पैसे लिए होता है? क्या हमारे यहाँ मोटेशन बिना पैसा लिए होता है? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि इस सरकार को 4-5 अफसर मिलकर चला रहे हैं, जो राज्य के लिए ठीक नहीं है। बढ़िया अच्छा चरित्र का SP और कलेक्टर नहीं भेजे जाएंगे तब तक प्रॉक्सी से ये राज नहीं चलने वाला है। सब लोग जानते हैं बिहार में कि मुख्यमंत्री जी की अभी स्थिति ठीक नहीं है और 4-5 अफसर यहाँ का राजपाट चलाना चाहते हैं। जनादेश उनके लिए नहीं है, जनादेश नीतीश कुमार जी के लिए है। अपराध को लेकर INDIE अलायंस के आक्रोश मार्च पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। कहा कि 15 साल तक लालू यादव ने किस तरह राज्य चलाया, कानून का राज खत्म कर दिया था। 15 साल तक लालू यादव ने बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, इस बारे में विपक्ष को बताना चाहिए। लोगों को ये निकालना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया था, लालू प्रसाद जी का राज था। जो कह रहे हैं मुझे पुराने दिन लौटा दो, तो मैं पूछता हूँ कि लालू जी कौन सा दिन लौटा दो? नरसंहार वाला दिन लौटा दो बिहार का, या अपहरण वाला दिन आप लौटाना चाहते हैं? INDIE अलायंस के आक्रोश मार्च में कांग्रेस, RJD, VIP, माले सहित गठबंधन के सभी दल शामिल रहे, लेकिन बड़ी बात यह रही कि अपराध पर तेजस्वी सोशल मीडिया से हमला करते रहे, लेकिन आक्रोश मार्च में न लालू यादव दिखे, न राबड़ी देवी, न मीसा दिखी, न तेजस्वी यादव दिखे और न ही तेज प्रताप दिखे। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले विरोध प्रदर्शन की याद तो आई, सड़क से सदन तक घेरने की बातें भी हुई,
पर आरजेडी के बड़े नेताओं का गायब रहना भी सवालों के घेरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।